उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष लाल बाबू वाल्मीकि सोमवार को गोरखपुर दौरे पर थे। इस दौरान गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम की सफाई व्यवस्था को देखें, उसका सर्वेक्षण करें। इससे पूर्व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष ने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर नगर निगम की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। एनएक्सी भवन में नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को तलब कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष लाल बाबू वाल्मीकि ने कहा, मेरा नाम लाल बाबू वाल्मीकि, छावनी पूर्वी पडरौना कुशीनगर जनपद का मैं रहने वाला हूं। मेरा पद सफाई कर्मचारी आयोग का मैं उपाध्यक्ष हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो जिम्मेदारी हमको सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है, उन्होंने एक निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में जाकर सफाई व्यवस्था को देखें, उसका सर्वे करें, उसका सर्वेक्षण करें, जहाँ कोई कमी बेसी है तो उसको निदान करें। और मैंने नगर निगम गोरखपुर में आया और नगर आयुक्त से मिला, अपर नगर आयुक्त से मिला, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को मैं अभी टेकअप किया हूं और उनका क्लास लेने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि नगर की व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो, साफ सफाई हो, हमारे देखने में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार के मंशा के अनुसार नगर निगम गोरखपुर में सफाई व्यवस्था ए से जेड तक सुदृढ़ है। इस संदर्भ में हम क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं, क्या कर रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर क्या दिशा निर्देश? मैं निर्देश क्या दूंगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा शासनादेश के अंतर्गत जो भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर हैं या स्थायी हैं, नगर निगम प्रशासन अपना ठोस पहल के अंतर्गत कार्य को ले रही है और गोरखपुर नगर निगम के नागरिकों को साफ सफाई व्यवस्था में अपनी संपूर्ण योगदान दे रही है।